हाँ, ये इनक्रोचमेंट है घर पे बोल के बीबीएमपी से हमको नोटिस आया था, तो हम इनका आंसर नहीं दे सके, तो अब जेसीबी ला के हमारा वो पूरा इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन था उसको डिमोलिश कर रहे हैं। नोटिस कब दिया गया ये नोटिस? एक दो साल से चल रहा है, दो साल से चल रहा है, नोटिस आ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। वी ट्राई टू लीगलाइज इट आल्सो, बट पब्लिक के लिए अच्छी बात है, आने जाने के लिए रोड बड़ा होएगा, इलीगल ऑक्यूपेशन कम होएगा, जो लीगल दुकानदार हैं उनके पास बिजनेस ज्यादा होएगा। मगर आपका तो दुकान चल रहा है, मगर पूरा आपका डैमेज काफी लोगों को हो रहा है, इसके बारे में क्या करें? बराबर, अब जो इलीगल है वो तो हटाना ही पड़ेगा ना, तो जो कर रहे हैं बीबीएमपी वाले सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरा बेंगलुरु ऐसा ही हो, रोड वाइड हो, दुकानदारों को अच्छा बिजनेस हो, जो इलीगल ऑक्यूपाई करके हैं जगह उनको फिनिश करो। आपका नाम सर? मेरा नाम पाश है। तो हमें पुराने 60 साल से इधर ही थे, जो बिल्डिंग था थिएटर उसमें थे, बाद में इधर बंद कर दिया, और इधर से फिर ये कॉर्पोरेशन से ऐसा नोटिस आ गया खाली करना, डिमोलिशन करना। दो साल पहले को नोटिस दिया गया, क्यों आप बीबीएमपी वाले आके आप फोड़ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, उसका अपना पता नहीं था, नोटिस नहीं दिए थे। नोटिस नहीं थे, दो साल पहले दे के हैं? हाँ, दिए थे, बाद में है ना रोशन बेग साहब को नहीं जाने में उन्होंने मुलतवी करे थे, नहीं रंधे बाद में बात करेंगे।